उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बजट पेश किया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सत्र के दौरान बजट भाषण पढ़ा। इस बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि हमने बजट में अपने संकल्प पत्र के 132 वादों में से 110 वादे पूरे कर दिए हैं। बजट पेश में किसानों के लिए भी बड़ा तोहफा दिया गया है। इसका ऐलान सीएम योगी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निजी नलकूप से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों को पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी गई थी। आने वाले समय में इसमें 100% छूट देने के लिए वर्तमान बजट में प्रस्ताव किया गया है। यानी योगी सरकार ने बजट में किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। जबकि सीएम योगी ने राज्य में होली और दिवाली पर एक एक फ्री गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा, हम लोग एक नई योजना का विस्तार करने जा रहे हैं और वह है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जो प्रदेश के अंदर करीब 1,74,00,000 हैं। उन्हें दिवाली होली पर उज्ज्वला योजना का एक एक LPG का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने 3,47,48,00,000 रुपए इस बजट में हम लोगों ने किया है। वहीं संकल्प पत्र के वादों पर उन्होंने कहा कि बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए 130 में से 110 वादों को समाहित किया गया है, जिनके लिए 64,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। बता दें, सीएम योगी ने जब फ्री सिलेंडर और बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया तो दोनों डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद थे।